हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपका होस्ट लखविंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राईसिटी कमर्शियल की। ऐसा कौन सा कमर्शियल है जो आज तक कभी फ्लॉप ना हुआ है ना होगा? जी हाँ, चंडीगढ़ का कमर्शियल। जी हाँ, ट्राईसिटी जो हमारा मेन टॉपिक है आज की, ट्राईसिटी में हम कहाँ इन्वेस्ट करें कमर्शियल में। जी, आपको पता ही होगा कि आपने देखा कि चंडीगढ़ का जो कमर्शियल है कभी फेल नहीं हुआ है। जी हाँ, जो SEO बूस्ट हैं ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में एक लिमिटेड सा कमर्शियल रहता है, इस वजह से चंडीगढ़ का कमर्शियल कभी फेल नहीं हुआ। तो क्योंकि चंडीगढ़ में कमर्शियल बहुत महंगा हो चुका है, अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो उससे आपको रिटर्न चाहिए तो सबसे बेस्ट क्या है? अगर हम बात करें थोड़ा जीरकपुर साइड या खर मोहाली साइड, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है। जी हाँ, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। जी हाँ, वो ऑप्शन है न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ भी चंडीगढ़ के पैटर्न पे ही बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड रहेंगे, बिल्कुल स्क्वायर सेक्टर हैं। जो अप्रोक्स यहाँ पे 29 सेक्टर जो गमार्डन ने 28 से 29 सेक्टरों में न्यू चंडीगढ़ को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे भी हर एक सेक्टर का एक अपना 5 एकड़ का कमर्शियल रहेगा जो बहुत ही लिमिटेड है। जी हाँ, और यहाँ का कमर्शियल में की डिमांड भी रही, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, 400 एकड़ में मेडी सिटी बन रही है। तो यहाँ का भी जो कमर्शियल के ऑप्शंस रहेंगे बहुत लिमिटेड रहेंगे, और अभी ये बेस्ट टाइम है न्यू चंडीगढ़ में बाय करने का। तो दोस्तों, न्यू चंडीगढ़ में आप कहाँ बाय करें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओमैक्स की। जी हाँ, ओमैक्स प्राइवेट लिमिटेड की। ये आपको पता है कि नेशनल लेवल पर कितना बड़ा ब्रांड है और न्यू चंडीगढ़ को एक्चुअल में शेप देने वाला, पूरे इंडिया में हाईलाइट करने वाला ओमैक्स ही है। तो ओमैक्स की बात करें तो ओमैक्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा कमर्शियल ऑप्शंस हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो ओमैक्स की मेन पहचान है, आप ये बिल्डिंग देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, ये है इंडिया ट्रेड टावर। जी हाँ, इंडिया ट्रेड टावर के बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है ओमैक्स का ही है इंटरनेशनल ट्रेड टावर। यहाँ पर आप ऑफिस स्पेस बाय कर सकते हैं। होटल हॉलिडे इन शुरू हो चुका है, उसका भी पोजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड टावर में आपको शोरूम्स मिल जाएगा, ऑफिस स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनके जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 13, 14, 15, तो वहाँ पे भी यहाँ इनका जो कमर्शियल मार्केट है, जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 2, फेज़ 3, ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है। फेज़ 1 और फेज़ 2 की जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पर आपको हर एक तरह की जो शॉप है, जो डेली नीड्स की जो भी हैं, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर हमारे पास बूथ शोरूम्स पोजेशन रेडी में भी हैं, और यहाँ का रेंटल आपको बहुत अच्छा है। जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको मिनिमम 1% रिटर्न तो यहाँ पे आपको आती ही आती है। तो दोस्तों, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओमैक्स के रेजिडेंशियल की, तो अभी हम पहुँच चुके हैं ओमैक्स का जो रेजिडेंशियल एरिया है। जी हाँ, हम पहले थे मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे, अभी हम आ चुके हैं जो इसकी दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन। जी हाँ, दक्षिण मार्ग जो किसान भवन वाला रोड है, ये गो थ्रू हो जाएगा ये अनंतपुर साहिब की तरफ। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो SEO हैं जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल हैं, ये सारा का सारा जो एरिया है पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। और ये जो लोकेशन है ये PR4, जी हाँ, जो दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन है, और ये PR7 आप देख रहे होंगे गो थ्रू है। ये सामने आपको ओमैक्स का सारा रेजिडेंशियल दिख रहा होगा, और साथ में ही बिल्कुल ये PR जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो PR7, जी हाँ, जो एयरपोर्ट रोड है वो वहाँ से। आपको इसका पूरे डिटेल में बाई कार में आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। इसके सारे जो जैसे मेरे साइड में है, लेफ्ट में है बूथ बने हुए हैं और शोरूम्स में, वो सारे हम बाई कार में आपको एक बार विजिट करवा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है हमारा दक्षिण मार्ग की जो एक्सटेंशन है। जी हाँ, जो किसान भवन से रोड आ रहा है, अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो ट्रैफिक आ रही है ये सेक्टर 38 वेस्ट से जो आगे इस एक्सटेंशन बनी है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड्स ही हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है ये दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन है। और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये PR7 का है जो एयरपोर्ट रोड है, जो एयरपोर्ट से मेडी सिटी के लिए जा रहा है ओमैक्स से होते हैं, जिसका अभी काम चल रहा है। जी हाँ, PR4 और PR7 का ये डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग के ऊपर ही ओमैक्स की जो मार्केट आ रही है। जी हाँ, अभी मैं आपको यहीं से लेके चलते हैं, हम बाई कार चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका दक्षिण मार्ग, और हम अगेन आ गए PR7 यानी कि एयरपोर्ट रोड पे। और एयरपोर्ट रोड का और दक्षिण मार्ग का जो कॉर्नर है, यहाँ पे आप देखेंगे सामने ये सारी मार्केट है। जी हाँ, ये ओमैक्स की टोटली मार्केट है, ये सारे शोरूम हैं सामने। जी हाँ, जो अभी मैं आपको दिखा के हटा हूँ, ये PR4 यानी कि दक्षिण मार्ग के बिल्कुल अप साइड में आपको ये शोरूम्स मिल जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं शोरूम्स के भी और बूथ्स के भी।
जी हाँ, बूथ का जो साइज रहता है 33 कैरी आर का है, शोरूम आपको 121 कैरी आर के भी मिल जाएंगे और 100 कैरी आर के भी, और इसके अलावा बे शॉप में भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको जो मिनिमम रेंटल मिलता है, जितने भी आपके यहाँ की आपकी वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसका आपको मिनिमम रेंटल 1% तो रिटर्न मिलती ही मिलती है आपको। जी हाँ, आप देख रहे हैं सारे के सारे शोरूम हर एक चीज़ का है, बुक शॉप है, आपको सलून मिल जाते हैं, जिम मिल जाता है। उसके अलावा आप अगर आप सामने देखेंगे तो ये बूथ्स आगे हैं, बूथ में सारा खाने पीने का, रेस्टोरेंट्स हैं हर एक, यानी कि जो भी डेली नीड्स मार्केट में जो भी आपको चाहिए यहाँ सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये बूथ हैं 33 कैरी आर के, जो बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर में बने हुए हैं। देखिए काफ़ी डेंसिटी है यहाँ पे, 5000 प्लस की फैमिलीज यहाँ पे जो रेजाइडिंग हैं ऑलरेडी, तो फैमिलीज काफ़ी होने की वजह से तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी यहाँ से पूरी हो जाती है। जी हाँ, ओमैक्स फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री के लिए ये मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और सब वेल मैनेज्ड हैं। ये सारा आप देख ही रहे होंगे, ये सारे इसके शोरूम्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ओमैक्स का कमर्शियल का, और इसके अलावा हमारे पास न्यू चंडीगढ़ में और भी कुछ कमर्शियल के ऑप्शंस हैं, बट वो इतने डेवलप नहीं हैं अभी। इको सिटी का भी अभी शुरू हुआ है कमर्शियल, तो आप न्यू चंडीगढ़ में अगर कमर्शियल लेना चाहते हो, कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जो हमारे मेंशंस नंबर हैं आप उन पे ज़रूर फ़ोन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।